অচৈতন্যমিদম বিশ্বম যদি চৈতন্যমেশ্বরম ন বিদুহ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ওপিহি ভ্রমন্তি তে জনাহা। অচৈতন্যমিদম বিশ্বম যদি চৈতন্যমেশ্বরম ন বিদুহ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ওপিহি ভ্রমন্তি তে জনাহা। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জী নে বতায়ে এই চৌদ ভুবন মে এসা কুছ বস্তু নেই হ্যাঁ যো গুরু বৈষ্ণব কো লুভা সকে। এই চৌদ ভুবন মে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জী নে বতায়ে এই চৌদ ভুবন মে এসা কুছ চিজ হ্যাই নেই জিসকে পিছে গুরু বৈষ্ণব থোড়া অ্যাট্রাকশন ফিল করে, গুরু বৈষ্ণব কো হৃদয় কো লুভা সকে এসা কই বস্তু হ্যাই নেই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে চৈতন্য চরিতামে তুমি বতায় গয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিত কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। ये 100% सच्चा बात है। अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कभी बहु सौभाग्य के कारण एक वास्तव साधु गुरु वैष्णव का साथ मेरा दर्शन हो जाता, दो शब्दों सुनने को मिलता, ये सब अहोभाग्य से होता है। भागवत शास्त्र में बताया गया সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভীর বহুভীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিতই। সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভীর বহুভীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিতই। পূর্ব জনম জনম কা সুকৃতি অ্যাকুমুলেটেড হুয়া সঞ্চিত হুয়া তো বাম্পার সাকসেস হতা হয়। মতলব এক বাস্তব সাধুগুরু বৈষ্ণব কাজ দর্শন হতা হয়। इसलिए बोला सत्संग प्राप्यते पुंभीर बहुभीर सुकृति पूर्व संचित। ये कोई मामूली बात नहीं है। साधु का बहुत लक्षण है, बहुत सारे चीज़ है। शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए हे महोदयगण हे महज्जनों साधु संग हर वक्त मिलता नहीं है। बाजार में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पागल का माफिक दौड़ो, लेकिन सत्संग बहुत रेयर चीज़ है। इतना रेयर है कि ये ऑलमोस्ट असंभव। श्रील सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर ने बताएं अगर वास्तव साधु का दर्शन हुआ भी है, किसी का भाग्य नहीं है, समझ नहीं पाया कि ये सच्चा साधु है, उल्टा भी होता है, साधु ही नहीं है, अंदर में संसार भरपूर है, बाहर में साधु का बेस है, उसको साधु समझ के वो नरक में जा रहा है। बोल रहा है साधु संग सत्संग मैंने किया, ठीक है सत्संग किया तो अच्छा किया। तुलसीदास जी ने सुंदर बताया जो बिनु सत्संग तरै न कोई राम की पाविन सुलभ न सोई। साधु संग के बिना कोई संसार सागर पार करके चला गया, देयर इज नो सच सिंगल इंस्टेंट यू कैन नॉट सो। कोई एक ऐसा भी प्रमाण नहीं, एक भी नहीं है जहाँ बिना सत्संग कोई संसार सागर पार करके चला गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यह जगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णवे तरणे नौका, भवति भवार्णव तरणे नौका। श्री शंकराचार्य जी मायावादी का सिद्धांत का प्रचार किया, फिर भी ये सिद्धांत ठीक है, ये बोला ठीक है। यह जगति
सज्जन संगति रेखा भवति भवार नवे तरण भवति भवर नवो तरणे नौका। ये पार करने वाले हैं साधु संग। पहले जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, बड़ा भारी गंभीर श्लोक है ये। चैतन्य चरितामृत में सुंदर ये प्रबोधान सरस्वतीवादी ने बताया, अचैतन्यमिदं विश्वम यदि चैतन्यमेश्वरम न विदुः सर्वशास्त्रज्ञोऽपि हि भ्रमन्ति ते जनाः। अगर तमाम शास्त्रों का मुखस्थ कर लिया, सब कुछ कर लिया, याद कर लिया, लेकिन पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य, पूर्ण चेतन वस्तु का साथ जब तक हमारा संबंध नहीं बनता है, हमारा अंतर का जो चेतन लुप्त अवस्था में है बा किंचित लुप्त बा मुकुलित, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो धर्म में सुंदर बताया, विकसित चेतन, मुकुलित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, आच्छादित चेतन, चेतन का कवरिंग है माया के द्वारा, चेतन का कवरिंग हो जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में बताया जाएगा, महाराज हमारा चेतन नहीं है, क्या आप बकवास करते हो, चेतन तो है ही है। बायोलॉजिकल साइंस में ये तो बताएगा, महाराज हमारा चेतन है ना, तब ना घुरता फिरता चलता बातें करता, क्या बात है, क्या बातें करते हो। हाँ, बायोलॉजिकल साइंस में बोला है ये आपका चेतन है, लेकिन चेतन राज्य का जो शास्त्र है, विचार है, शब्द ब्रह्म काल बताया था, इनके विचार, शास्त्रों का विचार सबसे ऊपर है। क्यों महाराज? क्योंकि ये भगवान का आदेश है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण अंते कार्या कार्यो व्यवस्थित, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ऑल गिवन देयर इन स्क्रिप्चर, सब शास्त्रों में, नॉट दैट सब शास्त्र देवी पुराण लाओ और महाराज शास्त्रों में, ऐसा नहीं। जो ऑथेंटिक शास्त्र है, शास्त्र मतलब ऑथेंटिक शास्त्र, शास्त्र भी कैटेगरी है। पुराण 18 किस्म का पुराण सुने होंगे आप लोग, इसमें 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण, 6 सामसिक पुराण, ये सब है। स्वाभाविक रूप अनंत ब्रह्मांड में जैसा जितना सारे जीवात्मा हैं, जिसी रूप में है, मनुष्य रूप पकड़ करके है या जंतु कुछ भी, ये जो है, ये लोगों का जो पहला जो संस्कार, ये संस्कार का मुताबिक अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ देयर प्रीवियस संस्कार कॉन्शियसनेस डेवलप, कॉन्शियसनेस चेतना का विकास होता। पूर्व संस्कार कैसा हुआ है, प्रेजेंट संस्कार क्या है, प्लस माइनस, उसका बाद तुमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। जगत में जितना जीव है, प्राणी है, उनमें मनुष्य जाति के लिए शास्त्र है, पशु पक्षी के लिए शास्त्र नीति नहीं है। ये मनुष्यों में बहुत विभेद है, बहुत विभेद, उसमें सभ्य जाति शास्त्रों को मानने वाले, उसमें भी कैटेगरी है शास्त्रों को क्या माने, कैसे माने, परात्पर अखिलेश्वर विष्णु तत्व को मानता कि नहीं, तूर्य तत्व को, ना कि जगत का कोई देव देवी को आराधना करके नरक का रास्ता प्रस्तुत कर रहा है क्या, बहुत सारे विचार है। भगवान ने सबका लिए अलग अलग व्यवस्था रखे हैं, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस इतना तक, उसका चेतना को बढ़ाने के लिए साधु समाज क्या करे। साधु समाज का भावना है इसको पूर्ण चेतन में ले जाओ, लेकिन जोर जबरदस्ती करो तो उल्टा हो जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। ये सब्जेक्ट मैटर में बाद में हम आए, साधु समाज का भूमिका क्या है, एक एक करके एग्जाम्पल दे के साधु का सिम्टम क्या है, ये सब बहुत सारे बात हैं। भगवान
अनंत ब्रह्मांडों में जितना सारे जीव हैं सबका धीरे धीरे डिग्री बढ़ाते बढ़ाते चेतन धीरे धीरे अंतिम समय में वो पूर्ण चेतन वस्तु का साथ संबंध जोड़े, इसी वास्ते धीरे धीरे शास्त्रों को प्रणयन किया। लेकिन कोई तामसिक व्यक्ति है तो बोले हम मानेंगे नहीं, तो ठीक है तुम मानेंगे नहीं, क्या माने, बोले ठीक है हम तामसिक पुराण को मानेंगे, ठीक है शिवजी महाराज ऑल इन ऑल ओके इतना ही मान ले अभी। कोई राजसिक व्यक्ति हो मानता नहीं, वो ठीक है ब्रह्मा जी को मान ले। लेकिन अंतिम में धीरे धीरे जब सात्विक पुराण कोई साधु गुरु वैष्णव से सुनने का मौका मिला तो उसको पता चलता है जो देवी देवता कोई भी शंकर कोई भी मुक्ति देने वाला कोई नहीं है। मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशयो, मुक्तिदाता कोई नहीं। हाँ महाराज मुक्ति शंकर मुक्ति देता है वाराणसी में सुना है, क्या बता रहे हो, यस ठीक सुने हैं लेकिन अच्छा जगह से सुने नहीं, सुने हैं बात तो ठीक है लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन है ये सुने नहीं, संदर्भों या दूसरा शास्त्र में ये सब विचार है। वाराणसी में भगवान शंकर कोई मरे तो मरने का साइम में उसका कानों में तारक ब्रह्म मुहूर्त को दे देता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस संग सम कुछ हो गया, ऐसा नहीं, वो क्रम मुक्ति का रास्ते पे जाएगा। क्रम मुक्ति बहुत सारे डेफिनेशन कितना बताए, कोई सुनने वाला नहीं है कोई, और समय भी बहुत कम। जो भी है ये क्रम मुक्ति का रास्ते में जाए, उसका बाद अंतिम में उसको सुयोग मिलेगा, उसका बाद वो मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मतलब मायावादी जो विचार है इसे मुक्ति का मतलब इम्पर्सनल ब्रह्म इफाल्जेंस, निर्विशेष ब्रह्म में समा जाना। लेकिन ये हमारा गौड़ीय दर्शन का, गौड़ीय दर्शन मतलब पक्का दर्शन परफेक्ट दर्शन, इसका ऊपर अनंत ब्रह्मांड में कोई दर्शन है ही नहीं, हुआ नहीं। वैन दर्शन जो दर्शन जो है वो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि विदेशी लोग जो फिलोसोफी बोलता है फिलोसोफी वो लोग बोलता है, लेकिन हमारा भारतीय में दर्शन जिसको बोलता है इट इज़ नॉट इक्वल टू फिलोसोफी, क्योंकि वरा उसका उधर जो है वो शब्द है ही नहीं, ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी में है नहीं जिसके द्वारा परफेक्टली उसको आइडेंटिफाई करे, ऐसा है नहीं। इसलिए इतना तक बताया मुक्ति का मतलब, ये लोग समझता है कि महाराज हम मुक्ति का मतलब समझता है ये जड़ जगत में जितना कष्ट मिलता है एक कष्टों से हमको छुटकारा मिले। अच्छा ठीक है, ये कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए उसका बाद क्या करोगे, नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, क्या मतलब है आपका छुटकारा से। ये जो इस जगह जगत का जड़ जगत का जितना ये जो प्रभुपाद जी ने बताए काल चर्चा करें, ये जड़ जगत एक यंत्रणामय परीक्षा स्थल, इसमें जो पास हो गया वो जाएगा और न तो मरेगा, वो कुछ करने का है नहीं। मुक्ति का मतलब है ये लोग समझता है मुक्ति का मतलब माने ये जो कष्ट दुख है इससे जो बुद्धिस्ट लोग है मायावादी लोग है और निर्वाण और मायावाद में ब्रह्म में समा जाना ये सब जो विचार है इट्स ऑल यूजलेस, ये कोई कुछ है ही नहीं इसमें। ये जो ब्रह्म में समा जाना इसमें भजन का कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म में अगर समा जाओगे तो भजन कौन करे, समझा नहीं। गौड़ीय दर्शन में हम अंतिम दो दिन ये सब विषय में चर्चा करें, जो भजन करने वाला
भजन का रास्ता और भजनीय वस्तु, बी केयरफुल बड़े से। भजन जो भजन का प्रोसीड्योर आपको दिया गया, भजन भजनीय वस्तु और जो भजन करे, तीनों एक प्लेटफॉर्म में ना रहे तो कोई मतलब नहीं। समझा मेरा बात? भजन भजनीय वस्तु और जिसको भजनीय वस्तु और जो भजन करे एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। आस्वादन आस्वादक आस्वादनीय वस्तु, तीनों अगर ना रहे मिल जाए उसमें कौन किसको आस्वादन करे, कुछ है नहीं। टेस्ट टेस्टलेस हो जाएगा जिंदगी। आस्वादन भगवत भजन में जो आस्वादन आता है, इसका विषय में ये जो साधु समाज का भूमिका, इसका बारे में थोड़ा टच हम कर दें। इसमें वास्तव साधु गुरु वैष्णव क्या करता है, इस विषय में हम आएंगे थोड़ा। तो ज़्यादातर जो मुक्ति मांगता है वो जानता ही नहीं क्या है। जैसे सुइसाइडल स्क्वाड है, अपना हृदय में एक बोम लगा लिया और उसको मारना है, तो बोम लगा के छलांग लगा दिया, वो उसको भी मारा, हम भी मारा, बोम भी बास्ट हुआ। समझा मेरा? इस कॉल सुइसाइडल स्क्वाड अंग्रेजी में। इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। गौड़ीय दर्शन में मुक्ति का मतलब है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। गौड़ीय दर्शन में ये परफेक्ट साइंटिफिक विचार है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। मतलब क्या है महाराज? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, तुम जो उल्टा सीधा चिंता करके रखा है वो सब मुक्ति नहीं है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, ये तुम्हारा मुक्ति है। अरे महाराज, यही तो संत समाज का यही तो भूमिका है, बद्ध जीवों को अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित कराने का सहायता करने में सहायता करे। ये अगर ना करे, ऐसा करोड़ों संतों नरक में जाए, कुछ नहीं होगा। ऐसा करोड़ों करोड़ संतों पैदा होता है और जगत को मार सबनाश करके वो नरक का रास्ता साफा करता है। महाराज, एक संसार का आदमी मरता है तो खुद मरता है, या तो संसार का चार पांच फैमिली मेंबर को लेकर मरता है। एक बदमाश अगर साधु का बेस में रहे, वो अगर मरे तो पूरा समाज, फुल ट्रूफ, पूरा समाज को लेकर मरे, पूरा जगत को मार के वो मरे। आप लोगों का अंदर में चेतना नहीं है तो जैसा चल रहे हो चलो, हमारा कोई कुछ नहीं है करने का। जो इच्छा है करो और लेना है तो लो। चैतन्य चरितामृत में बता गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य चरितामृत में ये सीक्रेट चीज बड़ा सुंदर बताया गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवों का वास्तव स्वरूप क्या है? कृष्णों का नित्य दास। अनंत काल से इन्फिनिटी प्रियो, जड़ जगत में जो मैथमेटिशियन है, जो इन्फिनिटी बोलता है, उसका कंसेप्शन जो है वो, जो बाकी वास्तव शुद्ध साधु जो इन्फिनिटी बोलता है अनंत, वो दोनों भावना एक नहीं है। जब कोई चीज़ मेजर का बाहर है वो इन्फिनिटी बोल देता है, जो काउंट का बाहर है काउंटलेस बोल देता है। लेकिन हमारा दर्शन में ये विचार ना, अनंत तो अनंत, जब अनुभव होगा अनंत तो हार्ट फेल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, अनंत ये अनुभव में आना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब है जीव अनंत काल से, ये जो भगवान का जो अंश है, बहुत सारे सिद्धांत है, विचार है, जीवे स्वरूप है कृष्ण दित्य दास, मतलब भगवान अनंत ब्रह्मांड का मालिक। गीता में भगवान बताएं कि ममैव अंश जीव लूक जीव भूत सनातन, ये जीव सब है, सब मेरा अंश है। और अंश का मतलब सब बोका सब है,
भक्त बन के बैठे हैं, वो सोचा का अंश का मतलब भगवान को काट काट के पीस करके बनाया, टुकड़ा टुकड़ा करके, इतना मूर्ख है, कुछ बेसिक फिलोसफी ने क्या सीखा। हम तो रोता है, क्या करे, हमको मरने का इच्छा होता है। एक जगह नहीं जो सच्चा बात बोले, सब बंद करो ये सब बातें, हाँ बंद करे अच्छा रहेगा, तेरा बात चले। भले महाराज, ये जो जीव का स्वरूप है, ये जो जीव का स्वरूप भगवान ने चैतन्य चैतन्य श्रीमद भागवत गीता में बताया, ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। इसका भी राइट कंसेप्शन किसी का पास नहीं है, एक भी परफेक्ट कंसेप्शन किसी का पास। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है? भगवान जो बोला ममैव अंश जीव लोके, अरे हमारा सीधा है, हमारा अंश है, अरे अंश है कि तुमने सुना ही नहीं जिंदगी में, क्या सुना, हमें तो यही चिंता हो रहा है क्या सुना पिछले 50 साल से, क्या सुना। अंश जो है भगवान को बोला है, भगवान को बोला गया शास्त्र में पूर्ण ब्रह्म, भगवान पूर्ण वस्तु। भगवान क्या पूर्ण वस्तु का क्या कंसेप्शन है तुम्हारा पास? पूर्ण वस्तु का क्या कंसेप्शन, व्हाट कंसेप्शन यू हैव अबाउट पूर्ण वस्तु, है कुछ कंसेप्शन? है ही नहीं। उपनिषद में बताया गया पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो पूर्ण, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फॉलो। ये तो मैथमेटिक्स स्वभाव उपनिषद का बात है, पूर्ण से पूर्ण को निकल लाओ तो फिर भी पूर्ण रेसिड्यू रहेगा पूर्ण। इसी हिसाब से भगवान का काउंटर पार्ट भी पूर्ण है, भगवत धाम में एक धूली कणा भी पूर्ण वस्तु है, समझा मेरा बात। पूर्ण जगत में ऐसा कोई वस्तु ही है नहीं जो पूर्णता प्राप्त नहीं हुए हुए, मेरा बात सुना नहीं, समझा मेरा। पूर्ण जगत में एक धूली कणा भी है, वो धूली कणा भी अनंत, तुम्हारा जो ब्रह्मांड मेटेरियल ब्रह्मांड हो इससे इससे बहुत बहुत कॉस्टली है, मेरा बात समझा नहीं। गोलोक धाम का वृंदावन धाम का एक धूलिकण जो है, और ये अनंत ब्रह्मांड जो है मेटेरियल वर्ल्ड, उसको समेशन करो ऐड करो, इन्फिनिटी है फिर भी चेष्टा करो, कैलकुलस में चेष्टा करता है। इसका जो वैल्यूएशन होगा एक धूलिकण अचेतन जगत का बहुत सारे कीमती, तो समझोगे नहीं, ये कंसेप्शन का बाहर है। ये हम अप्राकृत जगत का बारे में थोड़ा चर्चा करने बैठे हैं, ये इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर विषय है, इसका बारे में बोलने जाए को हमको शर्म आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने तब के जमाने में, वो बांग्लादेश नहीं था, इंडिया ईस्ट बंगाल में एक जगह प्रवचन देते देते बोले, भगवान का जरा सा सामान्य इंटरेस्ट के लिए हम ये तमाम जगतवासी को सेक्रीफाइस कर सके। हल्ला मच गया, क्या कह रहे हो आप, साधु हो? यस आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, सुनना है तो सुनो नहीं तो जाओ। पोपा जी ने बताए जे भगवान का सामान्य स्वार्थ, भगवान के इंटरेस्ट का संरक्षण के लिए ये तमाम जगतवासी को हम सेक्रीफाइस कर सके। हल्ला मच गया, क्या कह रहे हो, ठीक बताए, क्योंकि तुम्हारा ये जड़ जगत जो है इसको बोलता है नेगेटिव वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्ल्ड। बहुत बार हम कह चुके हैं, आपने सुने नहीं होंगे, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड।
This material world is a perverted reflection of that transcendental world, negative world, not positive. जिन्होंने सामान्य मैथमेटिक्स किया है उसको भी कंसेप्शन में है महाराज. जीरो को कीपिंग जीरो इन मिडल, इफ यू गो राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5 क्या होगा? द हायर द इंटीजर द हायर द वैल्यूएशन. राइट हैंड नेगेटिव साइड में चलोगे द हायर द इंटीजर द लोअर द वैल्यूएशन. तो आपका ये जगत जो है ये जगत नेगेटिव वर्ल्ड है. इतने आपका जितना भी इज्जत है जितना भी पैसा है चाहे आप प्रधानमंत्री है आई डोंट केयर कुछ भी हो आप ऐसे तो सम्मान देंगे ही. जगत में तो सम्मान देना ही हमारा धर्म है. जीवे सम्मान देवे कि जानी कृष्ण अधिष्ठान. उद्धव जी भी दुर्योधन जैसा शैतान को सम्मान दिया था. राजन नमस्कार. अरे टीकाकार ने बताया उद्धव जी ने कभी भी वो शैतान को दंडवत नहीं किया. वो सोचता है हमको सम्मान दिया. साधु बहुत चतुर है. उद्धव जी ने दंडवत किया दुर्योधन का अंदर जो कृष्ण बैठा हुआ उसको किया परमात्मा को. वो सोचता हमको कर रहा हम भी दंडवत ऐसे ही कर कोई शैतान को दंडवत. महाराज कह देते क्या करे. मेरा बात समझा कुछ? तो नेगेटिव वॉल में जितना भी तुम्हारा पति पत्ति है सम्मान है डेजिग्नेशन है जितना सारे संपत्ति है पावर है आई डोंट केयर. हमारा पास उसका 40 crore भी कोई केयर नहीं. हम जड़ जगत को काट के रखा है. जा जा जाना है जा इच्छा है तो आ नहीं तो जा. हम केयर नहीं करता क्योंकि हमारा कोई वैल्यू नहीं है. ठाकुर जी है सब व्यवस्था हो रहा है. शास्त्र में बहुत विचार है. जो साधु धोनी लोगों का पीछे दौड़ता है कुत्ता बिल्ली का माफिक पैर पकड़ता है वो साधु ही है नहीं. शास्त्रों में बताया भागवत में बताया हम कहाँ कहे. कस्माद भजंती धन दुर्मदान्धान कस्माद व्हाट फॉर. ये साधु लोग क्यों धोनी लोगों का पैर पकड़ रहा है चाट रहा है किस लिए? कि भगवान क्या दुर्बल है? हमारा भगवान अनंत ब्रह्मांड का मालिक है वो क्या हमको कुछ खाने नहीं देंगे पहने नहीं देंगे? कस्माद भजंती हैं धन दुर्मदान्ध हैं वो जो धन मद में दुर्मंद अंधा होके पड़ा हुआ है उसका पीछे क्यों दौड़ता है? सब हो जाएगा भजन करो सब आ जाएगा. एक एक उदाहरण दे तो पागल हो जाओगे. मेरा गुरु जी का और सारे संत समाज का परम जय माधव कुसी में सब एक एक उदाहरण दे प्रभुपाद का पागल हो जाओगे. बोलो महाराज ठीक बताया आपने. तो ये जड़ जगत में जिसका जितना बड़ा डेजिग्नेशन है जितना बड़ा संपत्ति है टोटल वर्ल्ड में जितना सारा अनंत ब्रह्मांड में सबको एक जगह इकट्ठा करो और एक जगह एक धूलिकणा गोलोक धाम का एक चिन्मय धाम का एक धूलिकण को एक जगह रखो उसका वैल्यूएशन इससे कई गुना ज़्यादा है अनंत गुना ज़्यादा है क्योंकि वो नेगेटिव वर्ल्ड है. तो कुछ भी एक धूलिकण तो है ही है लेकिन पूर्ण जगत का है. समझा मेरा पूर्ण जगत का बात बड़ा अद्भुत. पूर्ण जगत का जो बातें हैं बड़ा इतना विश्वास नहीं होता. ऐसा जगत है यस. ऐसा जगत का बातें हम कहने के लिए बैठे हम पागल हैं. चैतन्य महा बोलते हैं मैं एक पागल हूँ तुम एक पागल हो आओ एक साथ. महाप्रभु बोले राय रमन को तुम एक पागल मैं एक पागल हूँ क्या कर? कोई समझे कि इसीलिए बोला. तो ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का काउंटर पार्ट क्योंकि भगवान का जो धाम है उसमें जो एक धूलिका नहीं ये भी पूर्ण वस्तु है. तो भगवान का काउंटर पार्ट वो भी पूर्ण है तो ये नहीं ये हो ही नहीं सकता. हो सकता है भगवान तो अनुचैतन्य है तो क्या होगा?
बोले चैतन्य चरितामृत में बताया सारे तमाम शास्त्रों में उपनिषद वेदांत में, ये महाराज जीव जो है इसको बोला गया ततस्था शक्ति। सब्जेक्ट मैटर कुछ और हो जाएगा, फिर भी ये कहना जरूरी है बैकग्राउंड, ना तो साधु का फंक्शन क्या बोलने से क्या फायदा, ये बैकग्राउंड बना रहा हूं मैं। ये जो है वेदांतों में एक सूत्र आता है, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, भगवान और भगवान का शक्ति ये अभेद है। अचिंत वेदावेद तत्व तो हम अंतिम दिन चर्चा करें, महाप्रभु का अवदान क्या है बेसिकली और फाइनली, सारे बड़ा साइंटिफिक डिस्कशन। इधर जो बात होता है शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान, आप बैठा हुआ है आपका शक्ति आपका पास है, शक्ति आपका बाहर नहीं है, लेकिन अपरागिक जगत में शक्ति का भी स्वरूप होता है, ये जगत में नहीं होता। अपरागिक जगत में भगवान भगवान का शक्ति दोनों का स्वरूप स्टिल नॉन डिफरेंट। शक्ति शक्ति मतोर अभेद, चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति, तीन बेसिकली, चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति, ये जो अनंत जीव राशि है सब चित शक्ति, चित शक्ति ने चित तो है ही है, चित कौन है, लेकिन जीव शक्ति चित तो है ही है, चित कौन है अंदर में, एक चित शक्ति का बहिर्प्रकाश, और ये जो क्षुद्र क्षुद्र अणु चैतन्य ये जो सब जीवों का अंदर में है, परमात्मा जीवात्मा है ना, बताया था पहला दिन, ये भी शक्ति है, जीव शक्ति है। जीव का अंदर में जो पुरुषाकार है, हम भोगी हम पुरुष है हम स्त्री है हम भोग करेंगे, ये जो बुद्धि है खराब बुद्धि है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो तो शक्ति है, शक्ति कभी भोग नहीं कर सकता। शक्तिमान का फुल अथॉरिटी है, शक्तिमान का टोटल अथॉरिटी है टू एंजॉय, यू हैव नो राइट टू एंजॉय एनीथिंग, यू हैव नो राइट, योर एंजॉयमेंट कैन पुट यू इन टू हेल, बी केयरफुल, बट स्टिल हाउ यू कैन लीड योर लाइफ, आई कैन कम टू दिस पॉइंट, वेरी साइंटिफिक पॉइंट, इतना तीखा बुद्धि चाहिए, जरा सा भी इधर जाओ तो कट जाएगा पूरा गर्दन, जरा सा इधर हो सेवा हो जाएगा, जरा सा इधर हो कर्म हो जाएगा, अभक्ति हो जाएगा। तो इसमें बात आता है जो जीव जो है वो ततस्था शक्ति, ततस्था शक्ति मतलब जब अनंत ब्रह्मांडो विष्णु महाविष्णु जो है कर्ण सभी के अंदर चलाए तो काल बताया था, यशक निशेषितो कालो मथावलंबो जीवंति लोम बिलजा जगदंदनाथा विष्णुर महान स इहो यस्सु कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये गोविंद है, अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, और गीता में भगवान बताए मायाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते चराचरम, अंडर माय प्रिंसिपलशिप अनंत ब्रह्मांड प्रसव करता है देवी, ये देवी है प्रकृति प्रसव करती है, प्रधान प्रकृति, बहुत गुप्त रहस्य है सब, बहुत मिस्ट्रियस, मायाध्यक्ष न प्रकृति स्वयते चराचरम, चराचर विश्व को प्रसव करता है प्रकृति देव, अंडर माय प्रिंसिपलशिप भगवान विष्णु का साथ माया देवी जड़ जगत का माया इसका साथ कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि माया तो माया है, भगवान चित भूमि पूर्ण चेतन, उसका साथ ये जगत का कॉन्टैक्ट नहीं होता। फिर भी कैसे होता है, जब अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करने का इच्छा तो भगवान क्या करता है, भगवान दृष्टि देता है माया का कोख में, ऐसा करके दृष्टि का द्वारा अनंत जीवराशि पूर्व संस्कार से पड़ा हुआ है अंदर में, सृष्टि जब समा गया वो जीवराशि का फिर प्रकृति के गर्भ में डाल दिया, जैसे जड़ जगत में होता है, जड़ जगत इसको ही बोला है
जर्म सेल बायोलॉजिकल साइंस में चला दिया, दे दिया प्रकृति के गर्भ में बीज डाल दिया। अहम बीजो प्रदे पिता, भगवान बोला गीता, अहम बीजो प्रदे पिता, हम बीज प्रदान करने वाले पिता है, आप जगत को प्रसव करने वाला। तो प्रकृति क्या करे, फिर अपना कर्म फल के अनुसार, पूर्व पूर्व कर्म फल के अनुसार प्रकृति देवी एक एक जीवात्मा को एक एक शरीर देता है, किसी को जनानी, किसी को स्त्री शरीर, किसी को पुरुष शरीर दे दिया कर्मफल का अनुसार, किसी को जंतु, किसी को सांप, लायन, सब ऐसा ऐसा अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्टिविटीज संस्कार, कर्मफल भोगने के लिए जन्म जगत में आओ। ये जगत कोई भोगने वाला जगह नहीं है, सो दैट यू कैन एंजॉय फुलिश। ये जगत है, इसमें भगवान तुमको लाया है, तुम ऐसा क्रिया कर्म करो कि भगवान के पास पहुंच जाओ। ये जगत ऐसा चीज है, ये जगत भोगने का जगह नहीं है, ये जगत भोगने का जगह, यहां तुमको भेजा गया कि तुम भजन करके चले जाओ, इसलिए तुमको भेजा गया। ये जगत में भोगने का कोई व्यवस्था है नहीं, अगर भोग करोगे तो इट इज वन काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉर यू, स्ट्रांग बॉन्डेज फॉर यू, यू कैन नॉट गेट फ्री। कैसे रहोगे, ये सब टेक्निक है, संत संत समाज ये सब बताता है, वास्तव साधु संग होता है तो ये सब पता चलता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने ईस्ट बंगाल में जो बात बताए ये बात झूठा नहीं है। अभी हमने मैथमेटिक्स का उदाहरण दिया, नेगेटिव इंटीजर जितना बढ़ाते चलो वैल्यूएशन कम है, तो ये नेगेटिव वर्ल्ड है, इसमें तमाम दुनिया का जीव को सेक्रीफाइस करके भगवान का 0.001% इंटरेस्ट को हम सुरक्षा करने का चेष्टा करें, स्टिल इट इज़ गुड फॉर मी। भगवान के लिए थोड़ा बहुत हम पाप कर्म देखने में तुम्हारा पाप तो है नहीं, मेरा मगन अन में भगवान का सेवा ही भाव वासना है, लेकिन भगवान बोल के रखा है तुम्हारा लिए, जो लोग उल्टा समझता है, भगवान बोला है देखो मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते, मन निमित्त हमारा लिए जो कुछ भी करो वो भी परम मंगलदायक है। देखने में बाहरी आदमी बोलेगा ये तो खराब काम किया, देखने में खराब काम, भगवान मन निमित्त कृतम, मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते, ये धर्म हो जाता। धर्म अधर्म सबका बेसिक चीज है भगवान विष्णु, धर्म मूलम ही विष्णु। विष्णु का तुम काट के रखे हो, आप लोग काट के रखे हो, विष्णु क्या करे, चलो कुछ भी कर लो दौड़ो, धर्म मूलम ही विष्णु, क्या धर्म करोगे तुम पागल का मापी, जब धर्मों का मूल है विष्णु, विष्णु को तुम काट के रखे हो। पहला दिन बताया था जिसका साथ आपका अनंत काल का संबंध जोड़ा हुआ है, इच्छा करने से भी यू कैन नॉट काट योर रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा का साथ आपका संबंध काट नहीं सकते, इफ यू ट्राई योर बेस्ट स्टिल यू कैन नॉट डू इट, कितना भी चीखो चिल्लो ट्राई करो लेकिन भगवान का साथ आपका संबंध जोड़ा रहेगा। ये जगत जिसका साथ आप संबंध जोड़ के रखे हो, किसी का साथ बेमतलब कोई संबंध है नहीं, फिर भी इसी का साथ संबंध जोड़ के रखे हैं, नरक में जा रहे हैं, इतना एफिनिटी है, आसक्ति है, किसी का साथ कोई संबंध नहीं जगत का, मेरा एक गुरु वैष्णव भगवान, फिर भी हम संबंध जोड़ के रखे हैं, और ये मेरा लिए फांसी का फंदा बन जाएगा, समझा मेरा बात। इसलिए गीता में भगवान बताएं ममई वंश जीव लोक जीव उतो सनातना, इसका मतलब है हमारा जो शक्ति है इसका अंश है, ये सिद्धांत है, जीव जो है हमारा जो शक्ति है, क्योंकि शक्ति शक्ति मत और अभेद नॉन डिफरेंट, शक्ति बोलने से भगवान ही आता है, ममई वंश बोलने से कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारा जो शक्ति है इसका अंश है, मेरा जो तत्स्थ शक्ति है इसका अंश है, सब जीव
तो एक हो गया सिद्धांत, तो पक्का हो गया। जिस विषय में जड़ जगत का आदमी होशियार रहता है, रुपया पैसा भोगने का विषय होशियार, जान ईसा सर्वभूतानाम तस्सम जागृति संयमी, जसम जागृति भूतानी सानीसा पश्यतो मुने, जिस विषय में आप बड़ा होशियार हो, वेरी केयरफुल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मिनिस्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा इंटेलिजेंट हूँ मैं, बुद्धिजीवी वकील हूँ, मैडम मेरा से बुद्धिमान कौन है? ठीक है, आप बुद्धिमान अकॉर्डिंग टू अवर ओन एस्टिमेशन यू आर इंटेलिजेंट, व्हाट रॉन्ग इन इट, बट यू आर नॉट इंटेलिजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे सामने आप इंटेलिजेंट नहीं है, हम प्रमाण कर देंगे आप सब ज़्यादा बोका कोई नहीं है, यू आर फुलिस नंबर वन, क्योंकि आप असली चीज समझे ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है उद्धव के सामने, उद्धव इस जगत में बुद्धिमान तो वो है जो दो दिन का जिंदगी लेकर ये समझ सकता है कि हमको अमृत प्राप्त करना है, ये पक्का बुद्धिमान। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं वो पक्का बुद्धिमान जो दो दिन का जिंदगी प्राप्त करने के बाद हैं, एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणाम जत सत्यम अनृते ने हो मरते न अपनति अमृतम, फॉलो अपनति माने कैन गेट, एषा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणाम जत सत्यम अनृते ने हो मरते न अपनति अमृतम, दो दिन का जिंदगी पकड़ के लेके जो व्यक्ति वो अमृत प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते उससे बढ़कर बोका कोई नहीं है। कौन अमृत? कुंभमाला में जो अमृत मिलता है वो अमृत है, उसमें आज तक एक बार हम डुबकी नहीं लगाए, सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो भी लगाया नहीं, मैं भी लगाया नहीं, एक बार भी मेरा चेष्टा नहीं हुआ कि कुंभ मेला में जाके थोड़ा नहा के आया, हमको दरकार नहीं है, हम फेंक देंगे जा तेरा अमृत लेके, क्योंकि अमृत हमको गुरु जी दिया है, अमृत हमको भक्ति वल्लभ तित्त गोस्वामी महाराज ने दिया है, अमृत हमको दिया है भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी, हमारा पूरा खानदान गुरु वर्गो हमको अमृत दिया है, बेटा तू ये अमृत ले। गुरु जी बोला बेटा दुनिया का किसी का पीछे दौड़ना नहीं है, सब तेरा पीछे दौड़ेगा अगर तू भजन करे तो। एक फूल खिलता है और जितना सारे मधुमक्खी हैं उसको इनविटेशन लेटर भेजने का जरूरी नहीं है, उसका जो महक है, सौगंध है, सौकर्ज है, उसका अंदर में जो सैत है मधु, इसके इससे लोभित होकर सब आते मुन हैं, गुनगुनाते हुए सब श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नमः कथनचित आश्रयात जेसाम साओपी तद गंधवाग भवे। क्या बोला चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरण कमल है, ये चरण कमल का जो सौंदर्य जो सौकर्य जो और जो सौगंध है, ये सौगंध लोभित होकर जितना सारे गुरु वैष्णव भोमड़ा मधुमक्खी सब गुनगुना रहे चार बार संकीर्त, वो गुनगुना माना कीर्तन कर रहा है, परम एब्सोल्यूट का कीर्तन करो, एब्सोल्यूट का कीर्तन करो, जो एब्सोल्यूट नहीं है उसका कीर्तन मत करो, महामंत्र तो क्या करो, राधे बोलने का अधिकार तुम्हारा है नहीं, महामंत्र तो करो, महामंत्र तो करके बंद करो और दो दिन सुनो, उसके बाद हम जाएंगे, आने वाला नहीं है, इच्छा नहीं है हमारा, जो भी है ये बात है। जो प्रभुपाद जी ने बताए इसमें ये विशेष है कि अगर हम ये जगत जगत का नेगेटिव वर्ल्ड का जो कुछ भी है भगवान का जरा सा भी स्वार्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए संरक्षण करने के लिए हम कुछ भी करें, जरा जगत सेक्रीफाइस करें, जो माधव गोस्वामी परम पिया माधव गोस्वामी महाराज आसाम में बरदोलोई के सामने बोला था, वो सब बड़ा बड़ा बांध के बैठा हुआ है,
लेकिन सारे गलत बताया, सारे सिद्धांत गलत। परम माधव गोस्वामी महाराज अपमान कर दिया, आपका गांधी जी ने बोला है वी कैन सेक्रीफाइस अवर कंट्री हैं फॉर रामधुनी ना वी कैन सेक्रीफाइस रामधुनी फॉर आर कंट्री। अब माधव गोस्वामी महाराज नहीं उल्टा, आप गलत बता रहे हो, ये सब महापुरुष का बात है, मेरा कुछ नहीं है अपना। तो ये जब जीव का स्वरूप पहले समझ लो, उसका बाद साधु समाज का क्या भूमिका है, और आप किसका शैडो का पीछे दौड़ रहे हो, आपका जिंदगी खत्म कर रहे हो, इसका बारे में थोड़ा बताएंगे। ये जो है पहला बात समझ लिया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अब किसी ने बताया महाराज हमने अगर राम जी का भजन कर राम का दास होगा नहीं, यार भूखा है वृंदावन में लड़ाई लगता है। सुनो, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ये बोलने से राम जी का दास हो या बराहो जी का दास हो या नृसिंहदेव का दास हो, कुछ भी हो वो सेटिस्फाई हो जाए। क्यों? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जैसे का निश्चय तो अभी बताया, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुष, इसका पीछे कोई कारण नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में कोई पहले रिसर्च शुरू करे तो कोई सिम्टम देके शुरू करे, उसका बाद ये किस लिए हुआ है इसका कारण को ट्रेस आउट करो, गया इसको ट्रेस आउट किया, ये किस लिए हो रहा है इसका पीछे जाओ, ये किस लिए हो रहा है इसका पीछे जाओ, करते करते रिसर्च वर्क में, जो रिसर्च वर्क में लगा हुआ है साइंटिस्ट लोग ऐसे रिसर्च करके फाइनल कंक्लूजन में आता है। लेकिन ये जगत का अनंत ब्रह्मांडों का पूरा रीजन कॉज ढूंढते चलो ढूंढते चलो ढूंढते चलो, अल्टीमेटली यू कैन फाइंड भगवान गोविंद इज देयर, भगवान गोविंदो और कोई नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अब बात ये होता है जो संत समाज सही मार्ग दिखाए पूरा देशवासी को नहीं, पूरा होल वर्ल्ड को। एक साधु कोई सोसाइटी का नहीं होता, कोई देश का नहीं होता, एक साधु का वैल्यूएशन है टोटल ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में तो है ये क्यों नहीं, तो ब्रह्मांड तारित शक्ति धारे क्यों लिखा है अनंत ब्रह्मांड में, उसका एक डेजिग्नेशन एक एक, एक एक पद है उसको निभाना है। एक साधु का भूमिका क्या है, जैसे एक साइंटिस्ट, हमारा इधर का साइंटिस्ट उसका नाम है हरगोविंद खुराना, वो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च किया, इंडियन गवर्नमेंट को बताए कि इफ़ यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी आई कैन कम आउट सक्सेसफुल इन माय रिसर्च, आप दे सकोगे? अब वो बोले मैंने हमारा पास इतना फैसिलिटी है नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट अभी चले आओ, गया उधर और दो चार सालों में रिसर्च करके निकाल दिया और नोबेल प्राइज मिला और अमेरिका से आया हमारा साइंटिस्ट नोबेल प्राइज में। वो साइंटिस्ट का अमेरिका का है कि भारत का है, किसका है? किसी का नहीं है। एक एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर सारे जगत का लिए, एक साधु तो सबसे बढ़कर, समझा? उसका एक पद है अनंत ब्रह्मांड में, एक साधु का पद है, एक जगह है। पूरा समाज को अगर सही रास्ता ना दिखाए तो उसका कुछ वैल्यू नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बदमाश साधु बन के बैठा हुआ रावण, रावण जैसा वो खुद मरेगा और सब कोई खानदान को लेगा, मरेगा मरेगा तो। और एक संसार का आदमी अगर मर गया तो अकेला मरेगा, फैमिली का दो चार आदमी मरेगा। जो बात अधूरा रह गया उस बात को फिर चर्चा होना चाहिए, वो क्या है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, जो संत लोग कृपा करके जीवों को स्वरूप में प्रतिष्ठित करके देता है अनंत ब्रह्मांड में, इसका ऊपर दान गिफ्ट नहीं होता, समझा? हमारा गुरुजी हमको जो गिफ्ट दिया है, हमको हमारा स्वरूप में प्रतिष्ठित करके गया है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है।
इससे बढ़कर और संपत्ति हो नहीं सकती, समझा। स्वरूप मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण जी, तो था कृष्ण बोलने से, कृष्ण मूल पुरुष है, उसमें राम निशिंगो बरा हो, राम जी का कोई भाव वो सेटिस्फाई हो जाता है उसमें। जीवे सर्व कृष्ण नित्य दास, उसका मतलब राम का दबी दास हो जाए, कृष्ण असुविधा है नहीं विष्णु तत्व का। अब ये जो बात हमने उठाया था शुरुआत में, जहां बोले मुक्ति का मतलब है ब्रह्म में समा जाना, लेकिन गौड़ीय दर्शन में हम बोला मुक्ति हित्वा उन्नत रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। आदमी जो खुदकशी करता है किस लिए करता है, पर ये जड़ जगत का दुख उसको सहन नहीं हुआ इसलिए ना। अच्छा, इसका पीछे लॉजिक क्या है ट्रेस आउट करो। उन्होंने जो आत्महत्या किया इसका पीछे क्या कारण, सब आदमी बोलता है महाराज उसको सहन नहीं हुआ ये जो कष्ट है इसलिए आत्महत्या किया, ठीक है ओके, लेकिन इसका पीछे गुप्त रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट रीजन। वो ये जड़ जगत का कष्ट तो सहन नहीं हुआ, ठीक है ये तो बात पक्का है, लेकिन इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य था, वो क्या है, वो कुछ चीज मांगा था, उसका गुप्त नाम है सुख। सुख का सुख जो है ब्लिस, सुख का वास्तव स्वरूप उसको पता नहीं, पता नहीं। वो सोचा है लड़की को शादी करे हमको सुख मिले, मिला नहीं तो खुदकशी कर लिया। उसको बिजनेस करना था, उधार हो गया चुका नहीं पाया, खुदकशी कर लिया। उसका पीछे गुप्त रहस्य है, वो सुख मांगा था, वो सुख नहीं मिला, मिलने वाला नहीं है समझ के खुदकशी कर लिया। लेकिन उसको पता नहीं जो खुदकशी करने से तुम जो किया उसमें समाधान, इट इज नॉट सोल्यूशन, इसको समाधान नहीं बोला जाता है। लेकिन उसको अगर कोई साधु समाज, साधु संत महात्मा मिल जाता, वो अगर बोल देता ये कुछ भी नहीं है, वास्तव सुख एक जगह है, तू जो सुख ढूंढ रहा है वो मिलने वाला नहीं है, वो तू छाये का पीछे दौड़ रहा है, जैसे स्वामी महाराज का हुआ था भक्ति वेदांत, तो स्वामी महाराज इस्कॉन का प्रतिष्ठा था, बैंकक्राफ्ट हो गया, मेडिसिन का कारोबार किया, कारखाना का सारे लॉस लॉस लॉस, उसके बाद प्रभुपाद जी का कृपा हुआ, बस माला माला पूरा जगत में पूछा किया, समझा मेरा बात। तो ये जो खतकसी कर लिया ये समाधान नहीं था, इसको अगर कोई साधु बता था कि देखो ये समाधान नहीं है आप इस रास्ते पे चलो तो हो जाता समाधान। अनंत ब्रह्मांड में एक साधु का कितना बड़ा भूमिका है सोच लो, वो सारे जगत को सही रास्ता दिखाए तो चल सके, कोई मिनिस्टर अच्छा रास्ता दिखा नहीं सकेगा। रामचंद्र का समय में, कृष्णचंद्र का समय में, किसी भी जमाने में आप देखो, परीक्षित महाराज, भारत महाराज, ध्रुव महाराज, हु नॉट, सब देखो ट्रेस आउट करो, भागवत को विचार करो, साधु संग में भागवत विचार करो, अकेला नहीं जाओ, भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत तो आश्रय करो वैष्णव चरणे, लिखा हुआ है सारे जगह, यही निर्णय आता है कि उस समय भी रामचंद्र का समय भी रामचंद्र साक्षात भगवान है, फिर भी वैशिष्ट में क्या किया जाए, इस समय तो उपस्थित हुआ, इस समय में हमको क्या कर्तव्य है। अरे आप भगवान हो, स्वयं अनंत ब्रह्मांड का मालिक हो, और गीता में भगवान खुद बताया हम स्वयं वेद को प्रणयन किया, वेद बीद चा हम हैं, वेद को हमने प्रणयन किया, वेद का गुप्त रहस्य मैं ही जानता हूं, और जो शास्त्र में यह आदेश दे दिया गीता में भगवान, तस्मा शास्त्र प्रमाण अंते कार्या कार्यो व्यवस्थित, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ऑल यू कैन फाइंड इन स्क्रिप्चर, बट यू विल हैव टू अप्रोच ए रियलाइज सोल। कोई मूर्ख के पास जाओ जीव को सही बात इसीलिए बताएं, जे ऐसा संत के पास जाना है जिसको शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, शब्द बोलने में शास्त्र, शब्द शास्त्र
अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। शब्द शास्त्र जो है शब्द अनंत, इसका जिष्ट जानने वाले पूरा अनुभव करने वाला जो साधु है, शब्दे परे च निष्णातम। जीवगोस्वामी पाद संदर्भ में इसका टीका में लिखा है, ये जो दो शब्द है शब्दे परे चौ निष्णा, चौ मतलब ओ, पर ब्रह्मो और शब्द दोनों में चौ ओ, इसमें और इसमें भी चौ, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम। श्रील जीवगोस्वामी पाद जी ने संदर्भ में बताए कि देखो तुम्हारा भाग्य अगर ऐसा खराब है, तुम्हारा क्योंकि गुरु मिलता है अपना कर्मफल के अनुसार, रोने धोने में कोई फायदा नहीं। हमारा गुरु मिला है बलराम जी नित्यानंद, हमको मिला दिया, ये तेरा गुरु है, तुम्हारा गुरु तुम्हारा भाग्य से मिला, इसका गुरु इसका भाग्य से मिला, जिसका गुरु जिस, तुम्हारा कर्मफल के अनुसार तुम्हारा गुरु मैचिंग गुरु मिलेगा, कर्मी गुरु ज्ञानी गुरु, और तो भक्त बना है तो ठीक है भक्त गुरु मिलेगा, वो भी भक्तों में कनिष्ठ भक्तों को गुरु अपनाया तो क्या किया जाए, मध्यम अधिकारी को गुरु अपनाया ठीक है आपका कर्मफल है, उत्तम अधिकारी उसमें भी थ्री स्टेज है, कनिष्ठ अधिकारी का भी तीन स्टेज है, मध्यम अधिकारी भी तीन स्टेज है, उत्तम अधिकारी तीन स्टेज, सब कब सुनोगे, जिंदगी जा रहा है और कौन को गुरु रूप में हमारा जिंदगी प्राप्त होने का संभावना है, ये डिपेंड करता हमारा कर्मफल के अनुसार। जीवों को सही बात जी ने बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा गुरु मिला जो शास्त्रों का विचार का समाधान नहीं कर सकता, यू आर इन डिलेमा, नाउ यू आर इन डिलेमा वेयर टू गो, कि गुरु जी को पूछा बोल नहीं सकता, हम मुश्किल हो गया किसका पास जाए, तो बोल नहीं सकता इसमें आपका तो उल्टा भावना आ गया, गुरु जी शास्त्रों का समाधान नहीं कर सकते, इसमें गुरु जी के ऊपर एक नीचा भावना आ गया, ये तो हो गया आपका लिए बहुत डेंजरस। सेकंड है आपको समाधान नहीं मिला कहाँ जाओगे, और जो गुरु शास्त्र जानता ही नहीं, शास्त्रों का कोई मतलब नहीं है कि पैसा लूटो, वो तो कहने ही क्या, आप तो आओ नरक में जाओगे। इसलिए जीवों को सही बात एक श्लोक उठाकर दिखाया, जो भक्ति न्याय रहितम अन्नयन अश्रुणती य, जो भक्ति मतलब संस्कृत में भक्ति मतलब जो बोलता है उल्टा पाल्टा बोलता है, न्याय रहित शास्त्रों का विचार नहीं उल्टा बोल रहा है, वो नरक में जाएगा और जो सुनने वाला वो भी नरक में जाए इन्फिनिटी पीरियड के लिए, तो उभौ व्रजत हैं नरकम का कालम अक्षयम, अक्षय काल के लिए नरक में जाएगा। वो शास्त्रों का बात जैसे पितामह भीष्म जी को परशुराम ने बोले ये लड़की को शादी कर, बोले क्या बता रहे हो, हम बाल ब्रह्मचारी है आप जानते हो उल्टा पलटा, बोले ना शादी करना, लड़ाई हो गया। तब पितामह भीष्म जी ने एक सिद्धांत तो दिया, हमारा ये गुरु वर्ग लगता है, मैंने हमारा द्वादश महाजन में एक हैं इसमें बोला उत्पत प्रतिपन्न स्व परित्याग विधीयते, जो उत्पात का रास्ता दिखाता है वो गुरु शास्त्रों का कोई विचार नहीं, उसको त्याग करो कोई फायदा उसमें दोष नहीं लगेगा। जीव को सिंह बाद जी ने बताए शब्दे परे च निष्णातम, इसने शब्द ब्रह्म में निष्णातो नहीं है, मैंने वर्ड्स जानता नहीं कुछ, वो अगर शास्त्रों का विचार करेगा नहीं तुम्हारा बोलेगा नहीं, उसमें तुम्हारा डिलेमा उभय संकट, अब शास्त्रों का समाधान नहीं मिला और कुछ तो समाधान नहीं मिला और उल्टा भावना भी उल्टा हो गया, समझा मेरा बात, उल्टा हो गया। जीव को सही पाद जी ने बताया, अब बात ये है शब्दे परे च निष्णातम, साधु का अगर सिंटम आपको पता नहीं है तो कैसे समझोगे कौन साधु, उसका बात तो साधु समाज का भूमिका तो है ही है ना। शब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्मो और परब्रह्मो, परब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण जो स्वरूप है, शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों ब्रह्मों में एक ही है, शब्द ब्रह्म जो है यही परब्रह्म है, दोनों में सेवा कर्म में सेवा का विषय में
बड़ा जानकारी है, बड़ा ज्ञान, उस विषय में पूरा एकदम विचार बना के रखता है। गुरु जी का अंदर में ये विचार है कैसे सेवा किया जाए, जैसे बद्ध जीव को कैसे सेवा में लगाया जाए, ठीक है, ये सब विषय में गुरु जी, कि गुरु जी का फंक्शन क्या है, साधु का फंक्शन क्या है। साधु अगर तुमको मार्ग ना दिखाए, तुमको ना, ए तू गलत रास्ता में चल रहा है, कुछ ना बोले तो साधु का क्या फंक्शन है, साधु का क्या फंक्शन है, साधु का कोई फंक्शन है नहीं, क्या करोगे साधु को लेके, साधु कुछ बताता नहीं तो क्या करेगा, साधु तो बताएगा ना ये गलत रास्ता जा रहा है, ऐसा मत कर, तू मठ से निकल जा, रहने का कोई अधिकार, तू रहेगा तो ये हजारों आदमी उधर जाए, उजड़ जाएगा मेरा खानदान, मेरा खानदान उजड़ जाएगा, तू निकल जा, एक आदमी के लिए पूरा खानदान को उजाड़ देना ये तो बुद्धिमानी नहीं है, ये ठीक नहीं है। साधु बहुत स्ट्रिक्ट होता है, नए साधु का बात छोड़ो, नए शास्त्र में ऐसा बताया, नए शास्त्र चाणक्य जी बता के गया, लालयत पंचवर्षानी दस वर्षानी तारेत प्राप्ते तू षोड़शो वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरित, ये हमने नहीं बताया नीति शास्त्र में, 5 साल तक प्यार करोगे, लार पार बहुत चुम्बन करोगे वास्तविक, 5 से 10 साल तक पूरा एकदम जैसा हम लोगों का पिताजी ने कहा, ए कहाँ जा रहा है, खेलने जा, नहीं बट अभी नहीं, अनुशासन, ये अगर नहीं हो वो पिताजी, लड़का भी जाएगा पिताजी भी जाएगा, नीति शास्त्र का बात है। अगर कोई बोले संत महात्मा कुछ नहीं बोलेंगे, महाराज अच्छा साधु है, क्या अच्छा साधु का मतलब क्या है, कुछ नहीं बोलता है ये अच्छा साधु का, साधु का फंक्शन क्या है। लालेत पंचवर्षानी दस वर्षानी तारेत हार बगल लाठी लेके ठीक से चल, और प्राप्ते तू 16 वर्षे 16 साल हो जाएगा उसको, आर मारना नहीं, और दोस्त का माफिक बिहेवियर करना, पिता पुत्र के साथ दोस्त का माफिक बिहेवियर करे, ये नीति शास्त्र का नियम है, नीति शास्त्र का नियम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साधु बन के आया देखने के लिए, दिखाने के लिए, इसका बारे में हम चर्चा तो करेंगे बाद में। साधु समाज का क्या भूमिका है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का ही आएगा, आइडियल विचार करो तो, फिर भी वो टॉपिक सही है अंतिम दिन में। अब कोफी जी महाराज का बारे में पकड़ लो, माताजी देवाहुति रो रही है, रोते रोते कह रही है कि देखो निवृत्त नितरम भूमन असतेंद्रिय तर्शनात् जेनो संभास्व माने नो प्रपन्यांधम तमहा प्रभु, हे प्रभु, अभी पुत्र नहीं बता रहा है क्योंकि हम जानकारी है भगवान है मेरे पुत्र रूप से आए हैं। कपिल जी महाराज साक्षात भगवान और देवाहुति मैया, मैया कह रही है निवृत्त नितरम भूमान असदिंद्रिय तर्शनात् जेनो संभास्व मानेनो प्रपन्यांधम तमहा प्रभु, हे प्रभु हमारा इंद्रिया जो है जितना सा रेस्पेक्टिंग इंद्रिया है सारे हमारा भोग का वस्तु माना, आंख मांगता है कि उल्टा सीधा रूप को देखे, जिसको देख के तेरे को नरक में जाना है, कानों सुनना चाहता है कि घटिया चीज जो तेरे को नरक में ले जाए, और ये जो जीवा है वो खाना चाहता है रसना, जो खाना चाहता है उल्टा सीधा चीज, सारे इंद्रिया जो है सो एक एक तरफ खींच रहा है, आंखों इस तरफ, कानों इस तरफ, जवान इस तरफ, चारों ओर। प्रहलाद महाराज ने सुंदर बताया सब, पथिक को पथभ्रष्ट कर देगा, एक पथिक को पथभ्रष्ट कर देगा, रास्ते पे चलने नहीं देगा, सही रास्ते पे चलने नहीं देगा, बड़ा मुश्किल की बात है। देवाहुति जा, देवाहुति जी मनुपुत्री, मनु मतलब पूरा वर्ल्ड का, पूरा पृथ्वी का राजा मनु महाराज, द फर्स्ट मैन,
जहाँ से आपको मनु मनुज मानुष नाम मिला, मनु जी महाराज अपना पुत्री को शादी देने के लिए आए करदम ऋषि का साथ। ये तो हम बताएंगे नहीं, ये तो भागवत का प्रसंग हो जाएगा, डिटेल्स समय नहीं है। लेकिन पिता प्रवोज्जाय ग्रहण करके चले गए, प्रवोज्जाय मतलब संन्यास, प्रवोज्जाय लेके चले गए जंगल में। अब माता जी को अतः अपना पत्नी को छोड़ गए पुत्र का सामने। आप दिवावती जी पुत्र का सामने रो रो कर ये कह रही है जे इनाफ ऑफ इट, हे मेरे हमारा, हे प्रभु हमारा इनाफ हो चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए, जितना सारे मेरा इंद्रियां हैं जो कुछ मांगा वही सप्लाई किया मैंने, हमारा जो इंद्रिया जो मांगा वो सप्लाई दिया, ले 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 खा ले खा ले खा ले। अब हमारा हालत ऐसा हो गया को हम अंधतमो में गिर गया, क्योंकि करदम ऋषि ने मनुपुत्री को इतना बड़ा योग वैभव के द्वारा, योग वैभव के द्वारा इतना एंजॉयमेंट दिया, तो इंद्र महाराज का बाप का भी हिम्मत नहीं है, इंद्र महाराज का कोई बाप है हिम्मत नहीं, इतना बड़ा वैभव प्रकट किया कौन करदम ऋषि अपना योग वैभव के द्वारा, इतना एंजॉयमेंट कराया किसको, मनुपुत्री। उसके बाद मनुपुत्री आज रो रही है निवृत्त नितरम भूमा, इनाफ ऑफ इट, हमारा आर नहीं चाहिए, हम तो नरक में चला गया। निवृत्त नितरम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात्, असत इंद्रिय तर्षणात् मतलब तर्षण मतलब थ्रस्ट तृष्णा, असत इंद्रिय मतलब हमारा परफेक्ट इंद्रिय नहीं, इंद्रिया परफेक्ट कब होता है, जब साधु बनता है, जो सुबह में पूछा था उसका चर्चा अभी होगा। असत इंद्रिय तर्षणा हमारा इंद्रिया सब आउट ऑफ कंट्रोल, हमारा इंद्रिया जो है हमारा बस का काम नहीं, हमारा बस में नहीं है, तो मन आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सीडेंट तो होगा ही, जो इंद्रिया बस में नहीं है जिसका साधु का वो कैसा साधु है, अब पागलपंथी करो कुछ भी करो, जिसका इंद्रिया संयम नहीं है, बहुत सारे घटिया काम कर चुका है कर रहा है फिर भी यू आर गिविंग ऑनर टू हिम, यू आर फुलिश नंबर वन, इडियट नंबर वन, यू कैन डाई, इट इज योर फेट, यही आपका तकदीर में लिखा, मरो क्या करें हम, सही रास्ता दिखाना साधु का काम है। देवाहुति जी रो रो के कह रही है कि हमारा जो इंद्रिया है जितना सारे चीज मंगा हमने सप्लाई दिया, लेकिन हमारा आज ये हालत पहुंच गया कि हम प्रपन्न अन्नम, तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरा चला गया, जितना भोग करोगे कॉन्शियसनेस चेतना लुप्त होते रहेगा, इसलिए एक साधु बड़ा चतुर है, उसको सारा भोग का सामान दे दियो तुम वो बांट देगा, लेकिन जितना जरूरी है उतना ले लेगा, युक्त वैराग्य, साधु बहुत क्लेवर, एसी डीसी सब रूम में उसको रख दो सब, वो ठीक अपना फायदा का अनुसार वो इस्तेमाल करें नहीं करें, वो तुम बुका बनाने के चक्कर में हो साधु को, यू कैन नॉट डू इट, जस्ट बताए ना जानीश सर्वभूतानम तस्सम जागृति संयमी जसम जागृति संयमी स्वानी इनो सानीशा पश्चतो मुने, बोला ना जानीश सर्वभूतानम, विषय का मामले में सारा व्यक्ति बड़ा होशियार है, इसमें साधु इसमें निष्प्रिय है, इनएक्टिव बन के रहता है, दिखाता नहीं कुछ एक्टिविटी, जानी सा सर्वभूतानम तस्म जागृति संग, साधु सर्वदा सचेतन है, ये भोग का वस्तु मेरे को मारने वाला है तू ले जा हमको नहीं चाहिए, जसम जागृति भूतानी सानी सा पश्चो तुम है, जिसमें साधु लोग जागृत होता है वो लोग सोते रहता है, और जिसमें वो बड़ा होशियार है वो साधु लोग निष्प्रिय है इनएक्टिव बन के रहता है, बड़ा चतुर है साधु। जे जन कृष्ण भजे से है बड़ा चतुर, बंगाली में लिखा हुआ है, जो कृष्ण भजन करता है वो सबसे बड़ा चालू है, उसका जो विचार है इतना फाइन आप पहुँच नहीं पाओगे,
उतना तक। अभी कोपिल जी महाराज कह रहे हैं कि माता जी जो हुआ तो सो हुआ, अभी निकालने का क्या रास्ता है, निकालने का रास्ता तो बताओ। जैसे गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज अपना पिताजी आत्मदेव को बताया हम तो मर रहे हैं क्या किया जाए, अब बताओ तुम, ओ तुम प्रभु हो, ममोद्धरो दया निधे, अपना पुत्र के सामने हाथ उठा के रो रहे है पिताजी, ममोद्धरो दया निधे, हे दया निधि अब मेरे को बचाओ, वो हो गया मेरा और कुछ नहीं चाहिए। तब गोकर्ण जी ने मार्ग दिखाया, इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलो तो आपका रास्ता खुल जाएगा। कपिल जी महाराज ये भी बताए कि माताजी देखो ये जो जितना सारे वस्तु का साथ आपका संबंध है, ये आपका जो संबंध है वो अनित्य संबंध है, इसका साथ साथ आपके सपने आप संबंध बना लिया, संबंध बना लिया ना, इसलिए आपका अभी ये अवस्था है। और आप बड़ा सावधान हो जाओ तो इसमें कोई मुसीबत है नहीं। संगो यो संस्थिते रहतो हो असस्व विहितो धिया, वेरी केयरफुली सुनना है, डोंट फॉरगेट। संगो यो संस्थिते रहतो हो असस्व विहितो धिया स एव सदुसुकृतः मोक्षदारम अपावृत। हम दो श्लोक का एक एक श्लोक मिला के बोला, इसमें आपका समझने में सुविधा हो। ये दो श्लोक का एक लाइन, एक श्लोक का एक श्लोक दूसरा अंक, फिर भी इसके सिमिट्री है, कोई असुविधा नहीं। संगो जो संस्थिर हेतु हो असत्व विहितो धिया स एव सदुसुकृतः मोक्षदारम अपावृतम। जो संगो आपने किया, संगो संगो का मतलब क्या है, एसोसिएशन अंग्रेजी में बताता है, ठीक है। संगो जो संस्थिर है तो भक्तिविनोद ठाकुर ने साइंटिफिक व्याख्या दिया, क्या व्याख्या दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताए संगो जो संस्थिर है तो मतलब संग मतलब, भक्तिविनोद ठाकुर ने साइंटिफिक व्याख्या दिया, संग मतलब पृथ्वी निमोहन, किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ आपका आसक्ति बन जाए वो संघ है आपका, इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉर यू, फॉलो माय पॉइंट, नहीं तो कुछ भी नहीं। श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज अमेरिका में नेकेट सिटी में रहे, कुछ भी हो, कुछ भी होने वाला नहीं। महाराज जी बहुत सारे बात बताए प्रचार में, कभी अकेला नहीं जाना, बड़ा बड़ा आचार्यों को बोले अकेला नहीं जाना फॉरेन में, सुना नहीं बात, हमने उस पर अनुभव किया, ये आचार्य क्या बोल रहा है मेरा अनुभव में आया। मेरा जिंदगी में एक सेकंड भी ऐसा ना गुजर जाए जिसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है व्हाट आई हैव डन दैट पीरियड, तब हम साधु हैं। हर वक्त हमारा क्या एक्टिविटीज क्या कर रहा है, हमने क्या किया, सबका डॉक्यूमेंट रहेगा हमारे सामने, मेरा जिंदगी का सारे डायरी ओपन रहेगा, तब यू कैन गेट इंस्पिरेशन, अदरवाइज नॉट। 10 मिनट में मेरा जिंदगी का छुपा हुआ नहीं रहेगा, हम क्या किया 10 मिनट में, कोई समझने वाला हमको पागल बोलेगा, बोले ये महाराज पागलपंती कर रहे, ये सच्चा बात है। संगो जो संस्थिते रहतो हो असत्व विहित धिया, माता जी जो संगो आप कर रहे हो, संगो जो संस्थिते रहतो, ये सब संसार का हेतु है, सब आपको पकड़ के, आप तो संसार में है ही हो, संसार में हो ना, संसार में पड़ा हुआ, फिर भी आपको पकड़ के दूसरा संसार में डालेगा, एक ही संसार में, नो रेस्पाइट नो रेमेडी, कोई सलूशन नहीं। संगो जो संस्थिते रहतो हो, तुम ऐसे संग कर रहे हो ये तुम्हारा संसार का कारण बन जाएगा, फिर मरने का बाद भी तुम्हारा संसार में आना है, तुमको छुटकारा नहीं है। लेकिन ये संगो अगर कोई साधु का साथ किया करोगे करोगी तो आपके लिए मुक्ति का रास्ता मिले,
यही संगो आसक्ति हमारा साथ अगर आसक्ति बन जाएगा परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का, हमारा गुरु जी का, वैष्णव बोलते मैं पागल हूँ, वैष्णव का स्लाइट इंटरेस्ट, स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट करें हमारा जिंदगी चले जाए, कोई हमको मार डाले, बहुत बार धमकी दिया आपको उड़ा देंगे जगत, जो इच्छा है कर ले, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तेरा जो इच्छा कर ले, मैं तो यही बोलूँ, यही राइटिंग्स मेरा, यही बोलना है, यही बात है प्रभुपाद जी का, इच्छा है सुन ना जा, कुछ कर नहीं, कुछ कर नहीं पाए तो ऐसा बताएगा। सच्चाई का रास्ता में चलो तो पूरा दुनिया तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, मारने के लिए आएगा। अब माया देवी का साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलो, तुम भी चुप हम भी चुप, ओ बड़ा दोस्ती बन जाएगा, साधु समाज गठन किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कुछ बद्धो जीवों के द्वारा, केयरफुली सुनना, कुछ रजतम गुण के द्वारा प्रभावित कुछ बद्धो जीवों को लाके अपने कुछ सोसाइटी का गठन किया। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे इसके द्वारा जो आप जो सोसाइटी गठन किए उसमें जो मेंबर है उसका जो एक्टिविटीज है वो देखकर समाज का आदमी थुक्कार देगा, धिक्कार थुक्का ऐसा बनाएगा, तुम्हारा लाभ कुछ नहीं होगा, चलाओ सोसाइटी, कितना सोसाइटी चलाओगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कुछ नहीं फायदा, समाज का आदमी थुक्कार देने आएगा। और ये सब लोगों के द्वारा तुम जो सोसाइटी गठन करोगे इसके द्वारा तुम्हारा प्रचार हो नहीं सकता, तुमको आदर्श शिक्षा आइडियलिज्म समाज के सामने उपस्थापन नहीं कर सकोगे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ रजोगुणी व्यक्ति है उसको भगा दो, ये नहीं बोला, गलत नहीं समझा, सब तो तमोगुणी रजोगुणी आदमी अगर आए, अगर उसका अंदर में सबमिशन है, महाराज हम रजोगुणी है तमोगुणी हमको बचाओ, दैट इज ऑल, मेरा बात समझा, मैं ये नहीं बोला कि इधर एक रजोगुणी आदमी है थोड़ा उसको मार पीट के भगा दो, ये नहीं बताया। मेरा बोलने का मकसद है ट्राई टू गिव ट्रीटमेंट टू हिम, इफ यू आर डॉक्टर, बड़ा भारी हॉस्पिटल खोल के रखे हो, नो डॉक्टर देयर, व्हाट इज द सिचुएशन, इतना हॉस्पिटल खोल के रखे हो सब मरीज भर्ती कर दिया, नो ट्रीटमेंट, नो डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, साधु, वास्तव साधु, करो तुम सोसाइटी चलाओ, देखो पढ़, मूर्ख का मापिक सोसाइटी चलाओ, क्या फायदा है, देखो हॉस्पिटल खुल के रखे हो, कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या होगा, और डॉक्टर है वो भी आधा डॉक्टर है, मरीज को मार डालेगा, है ना। हमने तो ये उदाहरण देता है, एक कमरे में एक कॉलेरा रोगी है, हाफ डॉक्टर वो तो और डेंजरस है ना। एक कमरे में दो मरीज है, एक कॉलेरा मरीज है और एक पॉक्स मरीज है, पॉक्स उसको पॉक्स हुआ, एक कमरे में रखे, दोनों कॉन्टिजियस डिजीज, वो इसको सेवा करने जाए, वो उसको सेवा करने जाए, उसको तो कॉलेरा था वाला, उसका साथ इसको पॉक्स हो गया, उसको पॉक्स था एक डिजीज, उसको दो हो गया, बस वाला हंगामा बढ़ गया। ये उदाहरण, परफेक्ट उदाहरण, गुस्सा होगा, मेरा बातों में गुस्सा होनी चाहिए, गुस्सा होने से ही मेरा प्रवचन ठीक हुआ, तुम्हारा फ्लैटरिंग के लिए, हमारा ऑयल लगने के लिए नहीं आए, इधर ऑयलिंग के लिए हम नहीं जाते किसी जगह। सच्चा बात सुनो, तो ये जो बात है इसमें क्या है, संगो तुम आपने जो किया ये संगो फांसी का फंदा बन गया, ये संगो मतलब आसक्ति, कोई वस्तु और व्यक्ति का साथ तुम्हारा आसक्ति थोड़ा बन जाए वो तुम्हारे लिए संग बन जाता है, किसी वस्तु और व्यक्ति, ये आसक्ति अगर पक्का साधु का साथ बन जाए तो आपका लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाए, क्योंकि साधु तो तमाम दुनिया का जो साधु समाज है इकट्ठा होके, चाहे उसका भजन का रास्ता अलग है लेकिन चेतना का मामले में, चेतना का जागरण का मामले में सब एक प्लेटफॉर्म में खड़े होने चाहिए, चाहे रामानुज साधु हो, चाहे माध्वाचार्य संप्रदाय का साधु हो, चेतन राज्योगत है ही है, सिद्धांत तो डिफरेंट है और उसका जो फाइनल आउटकम वो डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली
सब साधु को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, पक्का साधु सब है। ऐसा नहीं कि कुछ आप आतात का आतात जानते हो, आतात जानते नहीं हो, क्वालिशन सरकार, ये सरकार इसका साथ हाथ मिला लिया दोनों मिलकर, ये क्वालिशन सरकार टिकता नहीं, समझा। अरे एक पक्का साधु को देखना, ये कभी किसी का साथ क्वालिशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक विशेष है, स्पेशलिटी है वो कभी, क्योंकि हम तुम्हारा साथ कंप्रोमाइज में जाए इसका मतलब ये है हमारा अंदर में प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर गुरु जी गुरुवर्गों ने जो स्पेशलिटी दिया है, तुम्हारा साथ हम हाथ मिलाने जाए तो तुम्हारा कुछ बैड थिंग हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारा कुछ अच्छा चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिकनसाइल, हमारा कुछ अच्छा चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। हम ये कभी नहीं किया जिंदगी में किसी का साथ, हमारा बाप का साथ भी किया नहीं, किसी का साथ किया नहीं, छोड़ दिया जा। इतना डरने का क्या बात है, जब साधु बन के आए हो इतना डरने का बात है, कौन खाना देगा महाराज, कौन सम्मान देगा, अरे सम्मान से क्या होगा, ठाकुर जी है अनंत ब्रह्मांड का मालिक। तो क्वालिशन मतलब किसी का साथ रिकॉन्साइल करने जाओ तो तुम्हारा अंदर का कुछ अच्छा चीज़ें छोड़ना पड़े, उसका कुछ खराब चीज़, तब एक प्लेटफॉर्म में आ सकोगे। हम इस बारे में नहीं बताए, हम बताए जो संत समाज है उसमें जो अच्छा अच्छा साधु है पक्का सा, चाहे रामानुज तो क्या हुआ, साधु अच्छा है, पक्का साधु है, ठीक है उसका समाज में, उसका भजन का रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन चेतना का मामले में सब इकट्ठा होके एक यूनिटी होना चाहिए पूरा समाज में। एक साधु अगर गलत रास्ता दिखा दिया पूरा तमाम समाज खत्म, पूरा खानदान उजाड़ जाएगा, कुछ नहीं। एक उदाहरण दे दे, गोदावरी नदी में एक बड़ा किश्ती, बड़ा बहुत बड़ा नौका यार, इसी समय में जब किश्ती में चढ़ चुका सा बहुत बहुत सौ आदमी, आप बांग्लादेश में जाओ तो देखोगे बड़ा किश्ती, उसमें बूढ़ी गंगा पद्दा नदी, इतना आदमी चढ़ता है, बहुत आदमी, सौ सौ आदमी एक। आजकल तो व्यवस्था हो गया, को चलाने वाला भी हो और उसका सिस्टम अलग हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा चक्कू चलाओ, और चक्कू चलाते चलाते थोड़ा मिडल में आया पानी का गहरा में, इतने में क्या हुआ, इतना बड़ा बड़ा भारी मेघ जो है, बारिश शुरू हुआ और हवा चलने लगे, इतना तेज हवा चलने लगे तो सब आदमी डर गया, महाराज अब तो हमारा मृत्यु है ही है, अब कोई बाबा नहीं बचा सके, हाय हाय सब गया, सब रोना धोना शुरू, हाय हाय क्या होगा। और जो उसमें तो दो चार चलाने वाले जो है, वो चलाने वाले भी डर गया, और वो ऐसा हालत है उसमें तो हम तो बचा नहीं सकेगा, क्या किया जाए, और तो डूबने वाला है, पानी आ रहा है अंदर में, नौका का अंदर में पानी आ रहा है, वाह पूरा अब तो जाएगा। और चलाने वाला जो दो चार था वो सोचे महाराज कम से कम तो हम बचे, ये लोग तो मरेगा ही, कम से कम तो हम बचे महाराज, हमारा बीबी बच्चा है, हम तो बचे महाराज, बोले छलांग लगाया बोट को छोड़ दिया, जा छलांग लगा के आए। अब ठाकुर जी का ऐसा है कि वो चारों जो छलांग लगाए वही पानी का गहरे में कारण में गिर गया, वो भी गया, चार आदमी उमरा, चार आदमी जो है वो छलांग लगा बचने के लिए, तो ठाकुर जी का ऐसा व्यवस्था हुआ चारों आदमी पहले मरा, और उनमें बोर्ड ठाकुर जी का कृपा से धीरे धीरे हवा जो है तेज तेज हवा चलने में थोड़ा कम हो गया और बोट थोड़ा बच गया, थोड़ा बच गया, फिर से हवा आया उसके बाद बाकी बोट उलट गया, वह सारे आदमी मर गया। और ऊपर जमालय में जमराज जी महाराज विचार कर रहा है, क्या कर रहा है, ये जो चाकू चलाने वाला है, ये चाकू चलाने वाला आदमियों को इतना सारे आदमी के मरने का जो दोष है इसका ऊपर ठोक दिया जाए, ये मारा है, अरे मारा है हमने, कहाँ मारा,
हम तो अपना जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगाए पानी में, बोले वो तो है ही नहीं, इट वॉज योर ड्यूटी, तुमने छलांग लगाया अपने बचने के लिए, वो इतना आदमी इतना 100 आदमी मरा इसका लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुमको लेना पड़ेगा इसका पाप, तुम्हारा वह ठोक दिया जाएगा, चलो हो गया। ये सही विचार है। कोई साधु अगर पक्का रास्ता में नहीं गया, गलत करता है, तो वो जो आपको रास्ता उल्टा दिखाए, वो मरने के बाद उसका ऊपर आपका जो मरने का आपको उल्टा रास्ता दिखाए, आप रास्ता नहीं मिले, मरने का पूरा सब दोष उसका ऊपर लगेगा। तो आप समझ लो पूरा संत समाज का ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक करके उदाहरण देते चले, साक्षात रामचंद्र जी का समय में वो भी संत समाज को आगे रखकर अपना विधान बनाते थे, महाराज आप बताओ, महाराज बैठो विराजो, बताओ हमको क्या करना चाहिए, रे भगवान हो आप साक्षात, तो क्या हुआ, हम जो मार्ग दिखाए बाकी समाज वही मार्ग पे चले, रामचंद्र जी ने दिखाया, जो वैशिष्ठ मुनि जी ने बताए अने जो कुछ बताए, हर वक्त माथा नीचू करके स्वीकार कर ली, जो कुछ भी बताए गुरु जी माथा नीचू करके स्वीकार कर लिए। वाल्मीकि तुम्हारा वो जो विश्वामित्र मुनि के साथ तारका राक्षसी को वध करने के लिए गए, फिर उसका बात तो आप जानते ही हो, जनकपुरी में आए, उस बागान में आए, और दशरथ जी महाराज देखा करने के, क्योंकि शादी बनाना है रामचंद्र जी को प्रिया जी का साथ, सीता देवी शादी मनाना है, और दशरथ जी देखा करने के लिए आ रहे, और फिर भी उसका अंदर में रामचंद्र जी का अंदर में कोई चंचलता नहीं है, सुने हैं पिताजी आ रहा है, पिताजी दिल का टुकड़ा है, और पिताजी का दिल का टुकड़ा ये है, समझा मेरा बात, फिर भी चंचलता नहीं है। जब गुरु जी कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि दशरथ जी महाराज पधर रहे हैं जी, आपको देखा करना है, जो आप उचित समझे गुरु जी, ऐसा नहीं कि गुरु जी आ रहा हम चल रहे, अनुगत क्या चीज है, रामचंद्र जी ने दिखाया, जो गुरु जी आप उचित समझे वही करें, माथा नीचू करके, ऐसा अनुभव का बाद सुनो फायदा होगा। रामचंद्र जी साधु समाज को सामने रखकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विधि विधान बनाए शास्त्रों का मुताबिक, है ना। दस अब देखो बाकी विचार करो, हमारा परीक्षित महाराज जी, भरत महाराज जी, युधिष्ठिर महाराज जी, सारे तमाम जो है पिथु महाराज, अम्बरीश महाराज, हु नॉट दे ऑल फॉलोइंग साधु समाज, संत समाज को सामने रखकर महाराज क्या करना चाहिए। अभी तो ये स्थिति है, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान परात्पर अखिलेश्वर टॉपमोस्ट फाउंटेन हेड ऑफ ऑल, वो भी उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव अभी तो ऐसा सिचुएशन है, पांडवों को ऐसा ऐसा स्थिति में डाल दिया, और हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको अभी क्या करना चाहिए, उद्धव को सामने बताया, सामने बैठाया और पूछते रहे कृष्ण सुधर्म सभा में, अभी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, उद्धव जी सलाह दे रहे, प्रभु आपको जाना चाहिए, अच्छा हमको जाना चाहिए, हाँ पांडवों का सहायता करना चाहिए, और जब तक ये जो आपका जरासंधर रहे तब तक इसका कुछ समाधान नहीं हो सकता, आपको जाना चाहिए, अच्छा आप कहते हो ठीक है हम चले। कैसा विनम्र भाव भगवान श्री कृष्ण का, कैसा विनम्र भाव श्री राम जी का, सोचो तो रोना आ जाएगा, अरे क्या भाव है इन लोगों, पूरा साधु समाज को सामने रखकर रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, सारे अष्टवक्र मुनि को गुरु बनाया रामचंद्र जी, रामचंद्र गुरु मानते हैं, दुर्वासा मुनि को गुरु मानते हैं, अरे भगवान का कौन गुरु होता है,
जब शास्त्र में बोला हुआ है कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, वही तो गुरु है भाई। गुरु तो है ही है, फिर भी गुरु मानते हैं, क्योंकि हम अगर गुरु ना माने तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, पूरा समाज उल्टा रास्ता पे जाएगा। यहाँ तक चैतन्य महापुरुष स्वयं ये मेरा गुरु जी है, कौन ईश्वर पुरीपाद, अद्वैत मेरा शिक्षा गुरु है, पैर पकड़ता है, अद्वैत को सह क्या पैर पकड़ता है, आप गुरु है मेरा, अरे अद्वैत को गुस्सा हो जाता है। हर वक्त अपना चाल बोल में हर वक्त दिखाया कैसे गुरु वैष्णव का अनुगत करना चाहिए। जो गुरु वही वैष्णव है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताएं, जो गुरु है वही वैष्णव है, जो वैष्णव है वही गुरु, वैष्णव है गुरु नहीं है हो ही नहीं सकता। मेरा बात का जो ग्रेविटी है वो समझा नहीं, जो कहने का मतलब पॉइंट क्या है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं वो अगर पक्का वैष्णव है वो तो 100% गुरु है, समझा मेरा बात। राय रमन संवाद का समय में इधर बताया गया एक सुंदर, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जय तत्व कृष्ण, जय तत्व कृष्ण तत्ववेत्ता है, समझा मेरा, जय तत्व कृष्णवेत्ता, कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जे वो शूद्र हो कि कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो कृष्ण तत्वविद है तो गुरु है। कृष्ण तत्व के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, खुद भजन नहीं करता, किसी को नहीं दिखाता मार्ग, वो कैसे गुरु बन गए, हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पूरा समाज को एक ऐसा अवस्था में लाना चाहिए जिसमें पूरा वर्ल्ड को, ये कौन करेगा, कौन करेगा, ये साधु समाज में कोई यूनिटी है नहीं, उल्टा सब सच्चा साधु सब एक मिलकर एक जगह प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाए, पूरा तमाम समाज में मंगल छा जाएगा, नहीं तो कभी भी मंगल आने का कोई रास्ता है नहीं, कोई संभावना है नहीं, बड़ा मुश्किल की बात है। हरिभक्ति विलास में और सारे तमाम शास्त्रों का प्रमाण देकर साधु का लक्षण, साधु का क्या तितिक्षव कारुणिक हो सुहृद हो सर्वदेही नाम अजात शत्रव हो शांतो साधव हो साधुभूषण, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कपिल जी महाराज माता जी को, माता जी साधु कैसे पहचानोगी कैसे, तितिक्षव कारुणिक हो सुहृद हो सर्वदेही नाम अजात शत्रव हो शांतो साधव हो साधु भूषण, हाँ ये साधु समाज का अलंकार है, अलंकार जानते हो डेकोरेशन, अलंकार है भूषण है, ये साधु समाज का भूषण है। कौन साधु समाज का, ये जो गुण बताया तिचिक शवाह खामा खा वो साधु को अपमान कर रहा है, कोई कारण नहीं है, उसका जिंदगी उसका जो लाइफ है पूरा डेडिकेटेड है भगवान का लिए, उसको अपमान कर रहे, कथा को बंद कर रहे, उधर कथा नहीं होने देंगे, ठीक है तमाम दुनिया पड़ा हुआ कहीं तो कथा होगा, डरने का क्या, फाइट करने का क्या दरकार है, वो जा ढाका में, ढाका आज से 80 साल पहले का बात कह रहा हूं मैं, 80 साल पहले ढाका में कॉरपोरेशन का मार्ट है, पहले जमाने उस समय हमारा गौड़िया मठ का तरफ से प्रभुपाद जी ने भक्ति विवेक भारती महाराज को भेजा, द ग्रेट भक्ति विवेक भारती महाराज, कृष्णवर्णो प्रहलाद महाराज के महापे लंबा ऐसा बैठे तो हो जाएगा तुम्हारा, कोथा बनने का दरकार नहीं, प्रभुपाद जी ने उसको पढ़ाया, जाओ आप चैतन्य महाप्रभु का बातें उधर जाके बोलो, बहुत सारे अंग्रेजी भाषण में पूरी में बहुत सारे ये सब है, सुना नहीं तो क्या करें हम, बहुत सारे चर्चा हुआ। अब उधर जाने के बाद गौरिया मठ का प्रीचिंग शुरू हुआ और तमाम दुनिया उसका खिलाफ हो गया, मारो काटो गौरिया मठ को भगाओ, ये सब बदमाश है, कौन बोल रहा है, जब बदमाश है वो बोल रहा है, बदमाश है वो बोल रहा है, ये बदमाश
है, इसको हटाओ। पूरा समाज को प्रचार कर दिया, किसी को एक पैसा भी भिक्षा नहीं देना, ये बिना खाए मर जाए, मर मिट जाए अच्छा है, कुछ सहायता नहीं करना, मरने दो, चिल्ले वो लोग हरे कृष्ण करके। अब पहुपा जी का पास इन्फॉर्मेशन आ गया, खबर आ गया, तब का जाने में हेलो बोलो ये सब नहीं था, अब तो उठा लिया, हेलो बोलो बोलना शुरू, बच्चा भी कैसा दुनिया आ गया, पूरा दुनिया माया देवी पूरा कब्जा कर लिया माया देवी, एक बच्चा हम भले ही ये ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या बात है, छोटा सा बच्चा माया देवी सब कब्जा कर लिया। पोपा जी के पास खबर आ गया जे हमारा गौड़िया मठ का प्रचार बंद करने के लिए सब एकदम इकट्ठा हो गया, समाज का सब जितना सारे मौलवी है, आइए मौलवी ने मौलवी तो मौलवी ने जो जो प्रधान है सब, अब क्या किया जाए। पोपा जी ने इधर से मैसेज भेजा, सुनो कान खोलकर एक बार सुनो, कुछ खाना पीना नहीं मिलता, पैसा नहीं देता है, चाल डाल नहीं देता है, तो क्या हुआ। अरे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ बूढ़ी गंगा है, वहाँ से पानी उठाओ कमंडल से पियो, और चिल्ला चिल्ला के चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलो, मरते दम तक सब ठीक हो जाएगा। पोपा जी ने मरो चैतन्य महाप्रभु के, मरना स्वीकार करो, और सब सिर्फ पानी पी के चिल्लाना शुरू कर चैतन्य महाप्रभु का नाम, बस दो दिन में सारे समाज चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का अनुकूल, गौरिया मठ का अनुकूल हो गया, बदमाश लोगों के मार की पीट के हटा दिया, जा समझा मेरा, विश्वास होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास नहीं है पीछे हट जाते हो। पोपा द्वार पानी पी के बोलो चैतन्य महाप्रभु, खाने का दरकार नहीं है, क्यों खाओगे, खाना तो शरीर का धर्म है, खाया का आत्मा का धर्म है, आत्मा का खाना जो मैं बोल रहा हूँ आत्मा का खाना, चिल्ला चिल्ला के चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करो सब ठीक हो जाएगा। दो दिन के अंदर सारे समाज अनुकूल हो गया, चलो गौड़िया मठ का प्रचार हो गया, मठ हो गया, बस हो गया। लेकिन जब मठ नहीं हुआ था तब भक्ति भी भारती महाराज बैठा हुआ है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मठ पे फाका मैदान है, माइक दिया वो भी व्यवस्था है सब कुछ, वहाँ कुछ नहीं है फाका मैदान, उसमें बैठ के चैतन्य भागवत पाठ कर रहा है, कौन, शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज चैतन्य भागवत पाठ कर रहा है। अब वहाँ से उसका साथ कंपटीशन करने के लिए शांतिपुर से एक बड़ा गुसाई को बुलाया गया, जिसका बड़ा तब के जमाने में कितना 100 रुपया उसको बुलाए तो भागवत कथा के लिए कितना 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया मतलब अभी लाखों रुपया का बड़ा भाव। वो गोसाई जी आए हैं भागवत प्रवचन के लिए, गोसाई जी बैठे हुए हैं और महाराज जी का पास कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, महाराज जी बैठ के जो जो गृह लॉन है उसमें बैठ के चैतन्य भागवत पाठ कर रहे, पोपात को शरण करके बस। एक दिन दो दिन गोसाई जी के सामने बहुत आदमी गया, दो दिन सुनने का बाद वो अंदर में विचार करी, ये साधु का पास जो सुना था इसमें कुछ फर्क लगता है, आज चैतन्य भागवत पाठ कर रहा है कौन, भक्ति विवेक भारती को सिंह महाराज, चिल्ला चिल्ला के और रो रहा है, तमाम हजारों हजारों आदमी वो गोसाई जी को छोड़कर इसका हमारा ये भक्ति विवेक भारती महाराज जी का आसे भीड़ लगाया, चलो आनंद के द्वारा चैतन्य भागवत सुन रहे, बोलो सी भक्ति भक्ति विवेक भारती महाराज की जय हो, है पहुपाद जी की जय हो, सुन रहा है, कौन क्या करे, रोकने वाला कौन है, हमारा सब जब नृसिंहदेव है तो हमारा कथा कौन रोकने वाला है, कुछ भी हालत पैदा कर दो, तुम्हारा हिम्मत भी नहीं है मेरा कथा को रुकोगे, किसी भी कोने में मेरा पृथ्वी का कथा चलते चलेगा, भारत का कन्न में चलेगा, मेरा कोई डरने का कोई कुछ चाहिए नहीं तो डरेगा किसको, कुछ चाहिए नहीं, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एट ऑल, तो किस चीज़ का डर है तुम्हारा, बोलो तो अभी उठे चल दे, चल दिया वृंदावन में, हो गया छुट्टी, ऐसा है साधु समाज, ऐसा होना चाहिए साधु समाज का पीछे अगर कोई आइडियलिज्म नहीं है तो किसका पीछे समाज जाएगा, एक साधु का कोई आइडियलिज्म नहीं है किसको देख के वो लोग फॉलो करें, किसको देख के,
उल्टा हो जाए। बद्ध जीव का अंदर में कोई क्षमता नहीं है जो अकेला भजन करके चले, सामने एक पक्का साधु होना चाहिए, उसको पीछे फॉलो करें। ये साधु ऐसा कर रहा है, उसका क्रियाक्रम ऐसा है, तो आपको ये होना चाहिए। समझा मेरा बात? तितिक शबो कारुणिक हो सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु है शांत शांत सुहृद सर्वदेही नाम। इसका थोड़ा व्याख्या करे, उसका बाद साधु का चार दोष नहीं रहता, उसको व्याख्या करे, फिर खत्म करे, ठीक है। भ्रमो प्रमाद प्रलिप्सा कर्ण पटा, चारों दोष एक पक्का साधु में नहीं रहता, भगवान में और साधु में। भ्रमो मतलब जैसे शंकराचार्य का फिलोसफी, रज्जू एक रस्सी लटक रहा है उसमें, अरे सांप, डर गया, रज्जू में सर्प भ्रम हो गया, ये भ्रम। प्रमाद मतलब एक उदाहरण दे दे, प्रमाद किया तुमने, गुरुजी ने बोल दिया काल तुम्हारा 10 आदमी का काल दीक्षा हो दीक्षा होगा काल 8 बजे, लेकिन आज एकादशी है, तुमने एकादशी रखा है, काल 7 बजे का अंदर तुमको पारण करके एक दाना मुख में डालो, उसका बाद आओ, भोजन करने का देर का नहीं, एक दाना जगन्नाथ का टच करो, उसका बाद हमारे पास आओ, नहीं तो पारण के बिना तुम्हारा खत्म हो जाए। तो सारे 10 आदमी आए, 10 उसका दीक्षा होने, दरवाज़ा बंद कर दिया, गुरुजी दे रहा है मंत्र, उसका बाद तुमने सब पारण करके आया है। एक आदमी बोला, महाराज हमने पारण नहीं, क्यों? महाराज शास्त्र में लिखा है, हमने सुना है गुरुजी के पास मंत्रों लेने का पैसे को खाना नहीं चाहिए। गुरुजी ने दुखी हो गया, अरे हमने बोला तुमको, आदेश दिया, खा किया, हो गया, प्रमाद कर दिया, सर्वनाश। गुरुजी बोला तेरा दिखा नहीं होगा, तेरा मेरा बातों में विश्वास, तू निकल जा, हो गया प्रमाद। विप्रलिप्सा मतलब सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, अपने को ठगने का विचार, वो सोचता है हम बड़ा होशियार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का बारे में बड़ा होशियार है, इसको बोलता है विप्रलिप्सा, अपना प्रणामी अपना लाभ पूजा सब हिसाब करके ले, वो विप्रलिप्सा। लिप्सा मतलब लोभ। कर्ण अपटाप मतलब है तार सेंस ऑर्गन का डिफेक्टिव कंडीशन, जो भी इंद्रियों आपका आंखों के द्वारा देख रहे हो वो गलत देख रहे हो, कानों के द्वारा सुन रहे हो गलत सुन रहे हो, जवान के द्वारा बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ये डिफेक्ट्स है तुम्हारा, सारे सेंस ऑर्गन ये बंडेड अवस्था में सारे गलत काम करे, डिफेक्ट नॉर्मली, इट्स अ नेचुरल, इसका डिफेक्ट है। समझा मेरा बात? भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण कर्ण पाटाप, अपट माने पटुता नहीं है, परफेक्शन नहीं है, इंद्रियों काम कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन परफेक्शन नहीं है, चारों हो गया। ये चारों दोष और डिफेक्ट्स जो है वो पक्का संतों का अंदर नहीं रह सकता और भगवान का अंदर। समझा मेरा बात? क्योंकि भगवान और भक्तों तत्व एक तत्व है, जब भी अलग अचिंत्य भेदावेद तत्व के द्वारा एक तत्व है, भगवान उसके परिकर उसका धाम उसका नाम टोटल पराफर्नालिया लेके एक टोटल जो तत्व होता है दैट इज कॉल्ड अद्वैय ज्ञान तत्व, इट इज कंप्लीट भगवत तत्व। समझा नहीं मेरा? फॉलो माय पॉइंट, टोटल कंप्लीट भगवत तत्व होता है, भक्तों को काट के फेंक दो और भगवत तत्व भगवान का भजन होगा नहीं, सब लेके एक तत्व अद्वैय ज्ञान तत्व। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक ये अद्वैय ज्ञान तत्व में सुप्रतिष्ठित ना हो जाए तो उसको साधु नहीं बोला जाएगा। जो साधु का भेद दर्शन है, यह इधर एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ लड़का बैठा हुआ है, अरे ये सब जो दर्शन है वो गाधे का दर्शन है, वो साधु का दर्शन है, वो साधु है ही नहीं। साधु कोई लड़की नहीं देखता, लड़का नहीं देखता, साधु का स्मार्टनेस इतना टॉप ग्रेड में है, तुम्हारा दुनिया का फिल्म स्टार एक जगह हो जाए उसका साथ बराबरी नहीं कर सकोगे, इतना बड़ा स्मार्टनेस है, क्योंकि भगवान अंदर में है। तुम्हारा स्मार्टनेस मतलब वो तो एक्टिंग है, और साधु का स्मार्टनेस मतलब स्ट्रेटनेस, निर्भीक अवस्था। समझा मेरा बात? गुप्त सिद्धांत है सब। वो कोई लड़का लड़की नहीं देखते, वो देखते जीवात्मा,
शत्रु नहीं देखते, मित्र नहीं देखते सब, फिर भी सदगुरु मिले, भेद बतावे, ज्ञान कर, वो जो शत्रु मित्र नहीं देखता फिर भी बोलता है उधर मत जा, उसका संग मत कर, मरेगा तू, ये जो साधु का कर्तव्य है। वो परमंश है फिर भी बोलेगा, क्यों? वो प्रचारक का भूमिका में है। तुलसीदास जी इसका व्याख्या बाद में हम करेंगे, सदगुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आँख करे प्रवेश, इसका व्याख्या बाद में होगा। आप तितिक्षमा मतलब जितना सारा ऑपरेशन अत्याचार उसका ऊपर करो वो सहन करेगा, लेकिन गुरु वैष्णव का उल्टा करो और प्रवचन में उल्टा सीधा वर तुम्हारा टोटी पकड़ेगा, है उल्टा क्यों बता रहे, वो सहन नहीं करेगा, पक्का साधु है। उसको अत्याचार करो, कुछ भी करो कुछ नहीं बोलेगा, जब उसका गुरु जी वैष्णव का अपमान हो तब वो तुमको टोटी पकड़ेगा, है क्यों ऐसा बोल रहे। ये साधु का लक्षण है, साधु का लक्षण प्रभुपाद जी ने बताया, कान खुल कर सुनो, वैष्णव का अपमान में, भगवान का अपमान में जो अधीर हो जाता, खूब तो हो जाता, वो साधु है। भगवान का अपमान हो रहा है, साधु का अपमान, अरे होने दे महाराज, बड़ा साधु आया, कौन बोला, कौन बोला सिंटम, साधु का सिंटम कौन बोला, बोलो, साधु का सिंटम जानते नहीं हो कुछ, उल्टा सीधा रास्ते भी चल रहे। तितिक्षवाह, बड़ा अत्याचार हुआ फिर भी सहन कर ले, ठीक है चलो कोई बात। तितिक्षा मतलब बहुत खोब, खोब होने का कारण है फिर भी खोब नहीं पैदा हुआ, इसका अक्षोभित चित्र, समझा। तितिक्षा बहा कारुणी कह, इतना करुणा है, एक एक जीवात्मा को बचाने के लिए अपना जिंदगी जीवन दे सकता, बचाने के लिए वो बच जाए, वो बच जाए, हम मरे ठीक है, ये करुणी कहा। सुहृदो सर्वदेही नाम, जितना प्राणी है, या तो बिल्ली कुत्ता कोई भी प्राणी है, गिलारी, सबका लिए उसका अंदर में प्रीति है, क्योंकि वो भगवान का संबंध है, संबंध में जगत देखता है, समझा मेरा, ही इज लुकिंग एवरीथिंग इन रिलेशन टू दैट सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का संबंध में जगत को दर्शन करता है, इसलिए लड़की दर्शन नहीं होता, प्रचार में जाता है मरने के लिए, जब भेद दर्शन है उसको प्रचार में मत ले जाओ, वो मारेगा, खानदान को डुबा देगा, जब दूजा दर्शन है वो, इसलिए हम बोला अद्वैत ज्ञान में सुभदृश्य, जहाँ देखो ता कृष्ण भगवान है, कुछ नहीं है परमात्मा, अद्वैत ज्ञान तत्व का दर्शन हो, नहीं तो साधु नहीं बन सकता। तितिक्षव कारुणिको, हम जल्दी कर रहा है क्योंकि समय हो रहा है, तितिक्षव कारुणिको सुहृदो सर्वदेही नाम, सुहृदो मतलब जो विदाउट एनी इंटरेस्ट सीकिंग योर इंटरेस्ट, विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट ओनली सीकिंग योर इंटरेस्ट, जैसे साधु गुरु वैष्णव, अपना कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारा मंगल का लिए चिंता कर, सुहृद हो सर्वदेही नाम। जैसे एक उदाहरण दे दे प्रैक्टिकल, विदुर जी महाराज पांडवों का लिए, पांडवों के लिए सुहृद है, सर्वदा चाहते इसका कैसे मंगल हो जाए, सुहृद हो सर्वदेही नाम, जितना प्राणी है, समझा मेरा बात, एक एक करके उदाहरण दे तो साधु का मूर्ति आपका सामने, वो ऐसा साधु है शांत, क्यों, उसका कोई डिमांड नहीं है, खिंचावट नहीं है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अश, बांग्ला समझते हो, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, दे आर ऑल रेस्टलेस, कृष्ण भक्त निष्काम इसलिए अशांत नहीं है, शांत है, भुक्ति मांगता है, भुक्ति मांगता है एंजॉयमेंट, मुक्ति मांगता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सब अशांत है, कोई कृष्ण भजन का लायक नहीं है, एक भी नहीं है, हम साबित करके चलेंगे इधर से, समझा मेरा बात, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भगवान में कोई चाहत है नहीं, इसलिए वो शांत है, शांत बंदा उदार में कोई खिंचावट नहीं है बिल्कुल। आज इतना तक रहे क्योंकि समय नहीं है, हम क्या करें, मजबूरी है, इधर खत्म करो, उपाय नहीं है। मोतीर न किसने परतो शतोबा, मीथो विपदे तो गृहो व्रतानम, आदांत गोभीर विशतम तमिश्रम, पुनः पुनः
चर्वितो चर्वनानं नौते विदुषार्थ गोतिम हि विष्णु दूरासयाजे बहिरार्थमानि अंधायथंधरूपनीयमानं तेयोपिशिचतांत मुरुदाम निबाध्या वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु भवेच पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमः। साधु का चरण का धूलि के बिना अब कभी संसार सागर पार नहीं हो सकोगे।